बीतेगा तब, जब इस देश में बड़ा आंदोलन जैसे अन्ना जी के नेतृत्व में चल रहा है, ऐसे आंदोलन करने पड़ेंगे, सरकारों के ऊपर दबाव बनाना पड़ेगा, तब जाके मुझे लगता है कि सरकार देखेगी, ऐसे तो संभावना नहीं लगती। अन्ना हजारे जी ने कहा है कि अगर देश की सरकार इस बार के आंदोलन के बाद हमारी बातों को नहीं मानती है तो 2014 में हम देश की जनता को जगाने के लिए निकलेंगे और उनके सामने अच्छे लोगों को चुनने का विकल्प देंगे, उनसे कहेंगे कि आप अच्छे लोगों को वोट दीजिए। हम जनता के बीच से भी अच्छे लोग निकाले जाएंगे। अगर इस देश में गोरखपुर के नगर निगम के चुनाव में किन्नर को लोग जिता सकते हैं तो अच्छे लोगों को भी लोग जिता सकते हैं। लोकतंत्र में जनता ही सच्ची मालिक है। अब फैसला हम गलत लोगों के पक्ष में सुनाते हैं वो मैंने आपको बताया, उसके पीछे जाति और धर्म की राजनीति है। उस दीवार को अगर हम तोड़ देंगे जिस दिन, तो मुझे लगता है कि देश के लिए, समाज की भलाई के लिए, रोटी कपड़ा मकान चिकित्सा शिक्षा की जरूरतों को पूरा करने के लिए जब हम नेताओं का चयन करेंगे तो अच्छे लोग आएंगे राजनीति में, ऐसी हम लोगों को उम्मीद है। वो पार्टी होना जरूरी नहीं है, वो जनता की राय से अच्छे लोगों का भी चयन करके उनका उनके लिए अपील कर सकते हैं अन्ना हजारे जी कि आप ऐसे युवाओं को, अच्छे लोगों को आप सोच दीजिए, इसके लिए पार्टी का होना जरूरी नहीं है। पार्टी की लाइन के खिलाफ कोई सांसद जाने की हिम्मत ही नहीं करता। अब हम तो चुनाव चुन के भेजते हैं जबलपुर का सांसद और वहां जाने के बाद वो सुषमा स्वराज के सांसद हो जाते हैं। हम चुन के भेजते हैं तो अमेठी का सांसद, वहां जाके वो हो जाते हैं सोनिया गांधी के सांसद। हम चुन के भेजते हैं कन्नौज से कन्नौज का सांसद, तो जाके वो मुलायम सिंह के सांसद हो जाते हैं, बसपा के मायावती के सांसद हो जाते हैं। तो जनता के प्रति इनकी जवाबदेही नहीं तय, उसका एक ढांचा लेके आएंगे आपके सामने। अगर सरकार नहीं मानती है तो उसका एक साफ क्या नजरिया हो सकता है लोकतंत्र का, वो भविष्य की बात है।